आज 5 मई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 5th मई 2024 एंड इट्स संडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए। मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के पावरफुल महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 नवंबर 1999। 15th नवंबर 1999 इज द रिवाइज डेट। बाबा के सभी बच्चों का लक्ष्य जो बाबा ने दिया है वो है बाप समान बनना। आज की मुरली वो एक मुरली है जिसको अगर हम संपूर्ण रूप से धारण करें तो बाबा ने गारंटी दिया है कि हम बाप समान बन सकते हैं। आज की मुरली को फोटोकॉपी करके बार बार पढ़ना चाहिए। ये मुरली हम सबके लिए विशेष थी। मैं तो इस मुरली को कभी भूल नहीं सकता हूँ। और मेरे जैसे और भी बाबा के बच्चे हैं वो इस मुरली को भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इस मुरली में हम विशेष थे, प्रेजेंट थे। और पीछे आने वालों के लिए आज की मुरली तो जो उस हॉल में प्रेजेंट थे वो कभी भूल नहीं सकते हैं कि कैसे बाबा ने दादी के कहने पर पूरे हॉल का चक्र लगाया था। और उस समय बहुत सारे चमत्कार अनुभव किए। समय मिला तो मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी ये मुरली विशेष थी क्योंकि इसके 15 दिन पहले उड़ीसा में एक ऐसा तूफान आया था जो अभी तक भारतवासी भूल नहीं पाए, ना उड़ीसा भूल पाया है, जिसको भी बाबा ने मुरली में याद किया था। तो बहुत सारी यादें इस मुरली के साथ जुड़ी हुई है। हम आएंगे मुरली के ऊपर। बाबा ने कठिन से कठिन काम को सिंपल कर दिया है। भक्ति मार्ग में एक तरफ कहते हैं कि भगवान का दर्शन होना उसके लिए अनेक जन्मों का पुण्य लगता है। बहुत जन्म अगर आपने पुण्य किया है तो कहीं जाकर आपको भगवान का 1 सेकंड का दर्शन होता है। और यहाँ पर स्वयं भगवान हम बच्चों को कह रहा है कि मैं केवल साक्षात्कार कराने के लिए नहीं आया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आप समान और बाप समान बनाने के लिए आया हूँ। तो कितने भाग्यवान हैं। आज के मुरली की नशे की बात मुझे जो लगी, जो दिल पर छाप छोड़ गई, जो कल के मुरली में जैसे था, तो इसको लिख लेना चाहिए बड़ा करके अपने पास। अगर पैड रखते हैं, नोटबुक रखते हैं, कुछ लोग बोर्ड रखते हैं अपने पास, वाइट बोर्ड अपने कमरे में। हमको ये आदत लग गई क्योंकि हम जिस कंपनी में थे तो कॉरपोरेट में थे, तो अपने कैबिन में बोर्ड के ऊपर सब टारगेट लिखना होता था कि इस महीने में क्या करना है, साल में क्या करना है, हफ्ते में क्या करना है। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए बहुत सारी बातें सामने लिखनी पड़ती थी, क्योंकि चलते चलते मोटिवेशन कम हो जाता था। तो ये बातें बहुत मोटिवेट करने वाली है। आप सोचो, जो जन्म मरण के चक्कर से न्यारा है, जिसको ढूंढ रही है दुनिया, वो अपने बच्चों से क्या कहता है
कि बच्चे आप चाहे भूल जाओ लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं। कितनी नशे की बात है कि दुनिया, फिर वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, वो सभी भगवान की माला जपते हैं और यहाँ पर भगवान निरंतर हर बच्चे की माला जपते, नशे में चले जाओ। क्यों जपते हैं? तो बाबा ने कहा, क्योंकि हर बच्चे की विशेषता बाबा के सामने सदा रहती है और ये हो नहीं सकता जो बाबा को पहचाने वो विशेष ना हो, वो नहीं माने ये हो सकता है। लेकिन बाबा स्वयं कह रहा है कि मेरा बच्चा जिसने मुझे दिल से कहा मेरा बाबा, वो विशेष नहीं हो, असंभव है। हर बच्चा बाबा का विशेष है। बाप कभी एक बच्चे को भी भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा है और विशेष कार्य के लिए निमित्त है, ऐसे समझ के आगे बढ़ते चलो। बहुत नशे का पैराग्राफ है, इसको प्रिंट करके अपने सामने रखना चाहिए, क्योंकि जब भी अवस्था डामाडोल होती है, मोटिवेशन कम हो जाता है, निराशा आ जाती है, तब ये वाक्य याद करो कि स्वयं भगवान की नज़र मेरे ऊपर है। मैं साधारण आत्मा नहीं, मैं महान आत्मा हूँ, क्योंकि भगवान मेरी माला जप रहा है। नशे में चले जाना चाहिए। आज बाबा ने शुरुआत ही होली हंसों से की है, क्योंकि आज बाबा के सामने विशेष कुमार पार्टी थी, कुमार्स थे। तो बाबा ने कहा, होली हंस मंडली को बाबा देख रहे हैं और होली हंस का काम है व्यर्थ को छोड़ना, कंकड़ को छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। बाबा ने कहा, एक एक रत्न कितना अमूल्य है और हर एक मेरा बच्चा, फिर से नशे की बात, ज्ञान रत्नों की खान बन गए। 10-12 ज्ञान रत्न धारण करने वाले नहीं, लेकिन ज्ञान रत्नों के खान। भगवान हमको टाइटल दे रहा है, स्वीकार करो इसे कि भगवान मेरी महिमा कर रहा है। भगवान कह रहा है कि तुम ज्ञान रत्नों की खान। आज बाबा ने स्पष्ट देखा, क्या देखा, कि मेरे कौन से बच्चे आज्ञाकारी है। हर माँ बाप को आज्ञाकारी बच्चा अच्छा लगता है। आप में से जो माँ बाप है वो समझते होंगे इस बात को कि माँ बाप की आज्ञा सिर माथे पर रखने वाले बच्चे कितने प्रिय होते हैं। तो शिव बाबा को भी आज्ञाकारी बच्चे बहुत प्रिय है, लेकिन केवल बाप की आज्ञा नहीं, शिक्षक की आज्ञा और सद्गुरु की आज्ञा, तीनों रूप की आज्ञा। तो तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से रात तक हर कर्म की, क्या सोचना है, क्या बोलना है, किस तरह से कर्म करना है, मन वचन कर्म, खजानों को कैसे सफल करना है, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्प का खजाना, सबके लिए हमें आज्ञा मिली। आज्ञा इज ऑर्डर। जैसे हमने देखा आर्मी में कमांडर, सेकंड इन कमांड, 2IC, कर्नल, जो भी ऑर्डर देते हैं, ब्रिगेडियर, तो सामने वाला जो सिपाही होता है उसके मुख से एक ही शब्द निकलता है, यस सर। तो हम सब बाबा के बच्चों को हमारा कमांडर शिव बाबा ऑर्डर जो देता है, हमको केवल एक ही कहना है, यस सर। और बाबा ने गारंटी दी है कि जो बाबा के बच्चे अमृत वेले से रात तक, इवन नींद में भी बाबा ने आज्ञा दी हुई है, कोई कह ही नहीं सकता कि हमको पता नहीं है, जो ऐसे श्रीमत पर चलते हैं वो हमेशा हल्के रहेंगे, उड़ते रहेंगे और दूसरों को भी उड़ाएंगे। तो आज इसकी गहराई में जाएंगे, क्या मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ, चेक करना है, क्या मैं परमात्मा आज्ञाकारी हूँ। बाबा ने तो सोचने की भी आज्ञा दी हुई है, क्या सोचना और क्या नहीं सोचना है। अगर कोई बाबा का बच्चा व्यर्थ सोचता है तो ये आज्ञा का उल्लंघन है। बाबा ने आज स्पष्ट रूप से बताया कि माया के आने के दो ही दरवाजे हैं, कमजोरी के दो ही दरवाजे हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस का, मैं और मेरापन।
मुझे एक कहानी याद आ रही है, प्रैक्टिकल घटना, क्योंकि इस आत्मा की सेवा किया था एक कुमार, क्योंकि कुमारों की बात चल रही है, 25-30 साल यज्ञ की सेवा किया, बहुत सेवा किया, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसको स्पाइन की बीमारी हो गई। अभी इतनी सेवा करने के बाद बीमारी हुई, स्पाइन पे वो बेड पे पड़े रहते थे और बैठ भी नहीं सकते थे, और उनको उसमें डायबिटीज भी था। तो मैं खुद उनका शुगर 3 बार चेक करने जाता था, तो वो परेशान हो गए थे क्योंकि सब कुछ बेड के ऊपर हो रहा था और विजिबली डिस्टर्ब थे बहुत। लेकिन वही दिन आया जब उनको बेड पे से उठाया गया, व्हील चेयर पर आ गए 3 महीने के बाद, तो बहुत राहत महसूस किया। और फिर बाबा का टर्न था, तो बाबा से मिलाने स्टेज पर लेके गए और बाबा ने उस आत्मा से एक ही प्रश्न पूछा, कैसे हो? तो अभी इन्होंने बाबा से बहुत कुछ अनुभव किया, तो गुस्से में कहा, मैं अच्छा नहीं हूं। तो बाबा ने कहा, आप ये सोच ही नहीं सकते, क्योंकि आपने तन मन धन सब कुछ बाबा को दे दिया, तो आपने मन बाबा को दे दिया, तो मन अमानत में खयानत नहीं कर सकता। आपने अमानत अमानत समझ के उसको संभाला है, तो मन बाबा की श्रीमत के बाहर कुछ सोच ही नहीं सकता है। चेक करे, क्या हमने बाबा को सचमुच में दिया है या केवल बोलने के लिए दिया है? जैसे वो भक्ति मार्ग में कहते हैं कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे है मेरा। अभी वो तो केवल बोलते हैं, लेकिन मन से उनका भाव होता है कि सब मेरा ही है, ये केवल प्रार्थना में बोलना होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन नहीं है, तो यह मन मेरा है, माना मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरा समझ कर यूज करना, तो फिर ये कैसे हो रहा है? जब मेरा है ही नहीं, तो मेरा समझ कर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? तो बाबा इसके ऊपर अटेंशन दिला रहा है। मैंने पहले भी 2 शब्द कहे थे, भक्ति मार्ग में भी इसके ऊपर अटेंशन रखते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा कोई नई बात सुना रहा है, भक्ति मार्ग में भी इस बात को महत्व दिया हुआ है। अगर सब कुछ हमारे मर्जी के अनुसार होता है, तो सोचना चाहिए हरि की कृपा हुई, और अगर सब कुछ हमारे इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए हरि की इच्छा। तो या तो हरि की कृपा है या हरि की इच्छा है। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, मैंपन रखना ही नहीं है। बाबा ने बीच को ही पकड़ लिया है, इसलिए कहा ये मुरली बहुत पावरफुल है, और जिसने इसको धारण कर लिया, देखो भक्ति मार्ग में संतों की कहानियां इससे भरी पड़ी है। जब संत मीराबाई को राणा ने, उनके देवर ने विष का प्याला दिया, तो उसने श्री कृष्ण का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार कर लिया, और वो जहर भी कहते हैं अमृत बन गया। अगर भक्ति मार्ग में एक भक्त की अवस्था है, तो ज्ञान मार्ग में जिनको स्वयं भगवान मिला है, उनकी अवस्था कितनी श्रेष्ठ होनी चाहिए। अगर हमारी अवस्था भक्तों से श्रेष्ठ नहीं है, कनिष्ठ है, तो भक्त हमसे श्रेष्ठ हो गए, ये कैसे संभव है? तो हम भक्तों से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भक्तों ने तो भावना का भाड़ा प्राप्त किया, हमको स्वयं भगवान मिले, हमारी अवस्था कितनी ऊंची होनी चाहिए। जो भी परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, उसे परमात्मा का प्रसाद समझो, क्योंकि ये सब हमारे कर्मों का ही रिटर्न है। तो कभी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, मुझे ड्रामा संपूर्ण स्वीकार है, अब तक ड्रामा में जो कुछ भी हुआ, ड्रामा को वैसे ही होना चाहिए, और मैं ड्रामा से, स्वयं से, परिवार से, सभी से संतुष्ट हूँ, क्योंकि बाबा मिला, सब कुछ मिला, अभी मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने स्पष्ट कहा, कोई भी कमजोरी आती है,
तो ये दो शब्दों से ही आती है, मैं और मेरा। तन भी हमारा नहीं है, अगर तन को भी बीमारी हुई तो बाबा संभालेगा। मन में जो संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाबा का आज्ञा है कि हर एक संकल्प शुभ होना चाहिए, शुभ भावना के पॉजिटिव संकल्प होने चाहिए। फालतू संकल्प करो ये बाप की आज्ञा ही नहीं है, तो चेक करना चाहिए क्या मैं व्यर्थ संकल्प करती हूँ या पॉजिटिव संकल्प करती हूँ। सिर्फ एक शब्द याद करें सुबह से रात तक कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बाबा का बच्चा हूँ, परमात्मा आज्ञाकारी। देखो मैनेजमेंट की बात सुना रहा हूँ, मैनेजमेंट में जो अच्छे अच्छे बिजनेसमैन हैं उनको भी सिखाया जाता है कि आप पी को ध्यान में रखो। ये पी शब्द बहुत बार आया, हमने प को देखा हिंदी में, अभी पी को अंग्रेजी में देखेंगे। पी फॉर पॉजिटिव, हर बात में हमको पॉजिटिव रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। दूसरा पी है पी फॉर प्रेजेंट, रहना है माना प्रेजेंट में रहना है, ना भूतकाल ना भविष्यकाल, क्योंकि द ओनली मोमेंट अंडर माई डायरेक्ट कंट्रोल इज दिस मोमेंट। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में रहना है। और तीसरा पैशनेट रहना है। बाबा ने कहा था एक मुरली में कि जैसे ही समय मिले बुद्धि बाप की याद में चली जाए या ज्ञान के मनन चिंतन में चले जाए। आप सबने ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी सुनी है, तो बाबा रात को उठकर भी पेड़ों को पौधों को पानी देता था। तो बाबा को पूछते थे क्या कर रहे हो, तो बाबा ने कहा मुझे कर्मणा सेवा करने का मौका ही नहीं मिलता है। कितना नशा होगा, कितनी खुशी होगी, ट्रेन में जा रहे हैं, 2 बजे उठ के योग कर रहे हैं। बाबा को पूछा बाबा आप आराम क्यों नहीं करते, तो बाबा ने कहा दिन भर शिव बाबा इस रथ पर विराजमान होता है, मुझे पुरुषार्थ करने का मौका ही नहीं मिलता है। आप सोचो कितना उमंग उत्साह होगा, पैशनेट। तो पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट रहना है, पैशनेट रहना है। तो व्यर्थ संकल्प तो चलना ही नहीं चाहिए। जब लौकिक दुनिया वाले लोग पॉजिटिव रहते हैं तो हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, हमको कितना पॉजिटिव होना चाहिए। जितना जितना हम आज्ञाकारी बनेंगे उतनी उतनी बाबा की दुआएं हमको मिलते रहती है। केवल सुबह उठ के एक ही काम करो। दादी इसको बहुत अच्छी तरह कहती थी, गुलजार दादी ने क्लास में सुनाया था, केवल एक काम करो, अमृत वेले से अपने मन और बुद्धि को श्रीमद की पटरी के ऊपर रखो। जैसे वो रेल होती है, रेल पटरी के ऊपर आ गई तो बस उसको पटरी के ऊपर ही चलना है, ऐसे श्रीमद की पटरी के ऊपर अपने मन और बुद्धि को रख दो, अपने आप गाड़ी चलती रहेगी। थोड़ा भी इधर उधर नहीं होंगे, माया कुछ कर नहीं पाएंगे। श्रीमद के अंदर हम सुरक्षित रहेंगे और हमारी विजय निश्चित हो जाएगी। सिर्फ दिल से बाबा ने कहा, अगर एक बाबा का संबंध, वैसे तो बाबा सर्व संबंधों की बात करते हैं, आज के मुरली में कहा अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले कि बाबा बाबा, मंत्र के मुआफिक नहीं। बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में वो ओम नमः शिवाय कहते, बाबा ने कहा वैसे नहीं, दिल से अगर निकले तो बाबा ने कहा सदा समीपता का अनुभव करेंगे। तो चेक करना चाहिए क्या मैं दिल से बाबा बाबा कहता हूँ, और अमृत वेले से रात तक क्या मैं परमात्मा आज्ञा पर चलता हूँ। आज विशेष कुमारों के बहाने सबके लिए श्रीमद को हम रिवाइज करेंगे। बाबा ने कहा धन के लिए भी बाबा की आज्ञा है। दादियाँ हमको कहती थी 3 हिस्से धन के करने चाहिए, एक अपना रोज का खर्चा, महीने का खर्चा, एक इमरजेंसी के लिए और एक भविष्य सेविंग, माना 1/3 इमरजेंसी के लिए सेविंग और यज्ञ में 1/3। तो आपके तीनों हिस्से निकाल के रखने चाहिए अभी।
भक्ति मार्ग में भी लोग जकात निकालते हैं या भगवान के अर्थ जिसको कहते हैं भगवान के अर्थ दान पुण्य करते हैं। अभी उनको तो एक जन्म का मिलता है, यहाँ हमें केवल 21 जन्म नहीं पूरे कल्प की कमाई है, ऐसे तो मैं समझता हूँ। तो धन को कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, इसका भी पोता मेल रखने को आज कुमारों के बहाने बाबा ने सबको बताया हुआ है, तो सभी निश्चिंत हो जाएंगे। बहुत सारे अनुभव है लेकिन अगर सुनाएंगे तो प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए कई बातें गुप्त रखना होता है। जैसे आज बाबा ने उड़ीसा के तूफान के बारे में बताया कि बहुत गुप्त योगी बाबा के बच्चे हैं। थोड़ा उड़ीसा के तूफान के बारे में आपको बताते हैं। ये तूफान आया था 29 अक्टूबर 1999 में, और उसके 15 दिन के बाद वाली ये मुरली है। लगभग उस तूफान इतना भयंकर था क्योंकि उस तूफान में 10,000 लोगों की मृत्यु हुई थी। आप सोचो, 2 लाख जानवर मारे गए थे, 3.5 लाख घर नष्ट हो गए थे और 25 लाख लोग बेघर हो गए थे। और इसमें पूरे 14 डिस्ट्रिक्ट्स 14 जिले पूरी तरह से तबाह हो गए थे, और चीफ मिनिस्टर को भी पद से इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बाद नवीन पटनायक जी आए और उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई। फिर तो ये तूफान तो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और बाबा ने उस समय जिन्होंने सेवा किया उसको बाबा ने बताया कि दुनिया में वस्त्र और अनाज तो सभी देते हैं और देना भी चाहिए, लेकिन स्थूल के साथ सूक्ष्म बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे आज बाबा ने कहा कि ये 3 खजाने संकल्प, श्वास और समय, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। समय और संकल्प इनका डायरेक्ट कनेक्शन है श्वास के साथ, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। मैं समय के अभाव से इसमें नहीं जा रहा हूँ। अगर हमारे संकल्प फास्ट चल रहे तो हमारे पास कम समय होता है। संकल्प स्लो, बाबा ने कहा धैर्यवत गति होनी चाहिए संकल्पों की। और जो योगी होते हैं वो ज्यादा संकल्पों को जन्म नहीं देते हैं। आजकल एक बहुत बड़ी समस्या चारों तरफ दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, बात छोटी सी होती है लेकिन सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के उस बात को बड़ा कर देते हैं, और फिर ये विचार हमें दुखी करते हैं। चिंता के विचार, ओवर थिंकिंग का स्वभाव, छोटी बात को बड़ा करना या बड़ी बात को छोटा करना हमारे हाथ में है। तो ये श्वास व्यर्थ जाते हैं, संकल्प भी व्यर्थ जाता है और समय भी व्यर्थ जाता है। बाबा ने कहा ये संगम युग का समय सबसे वैल्यूएबल है, इस छोटे से जन्म के संकल्प, समय और श्वास अमूल्य है, इसको ऐसे वैसे नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा आप सबसे बड़े बिजनेसमैन हो, जैसे वो बिजनेसमैन है, उनका सोने का, खाने का, मीटिंग का हर टाइम फिक्स होता है, तो सबसे बड़े बिजनेसमैन तो हम हैं, तो हम टाइम वेस्ट कैसे कर सकते हैं। जैसे आया वैसे दिन बीत गया। कई लोग अंग्रेजी में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि आई वॉज किलिंग द टाइम, टाइम पास कर रहा था। मुझे बहुत रहम आता है, टाइम किल नहीं कर सकते आप, टाइम आपको किल कर रहा है। जैसे बर्थडे के दिन लोग मनाते हैं बर्थडे, एक्चुअली उनको लगता है कि मैं बड़ा हो गया, लेकिन वो मृत्यु के नजदीक जा रहे होते हैं। ऐसे ही टाइम पास नहीं, टाइम इज किलिंग यू, इसलिए एवरी सेकेंड इज इम्पॉर्टेंट। एक सेकेंड अनेक वर्षों के बराबर है। कोई भी फालतू संकल्प, समय वेस्ट जाता है। बाबा ने उदाहरण दिया, अगर 5 मिनट भी गया तो बाबा ने कहा बहुत कुछ गया, क्योंकि सब कुछ अचानक होना है, इसलिए संकल्प वेस्ट नहीं करना है। और ये तूफान के वक्त तो बहुत लोगों के बहुत सारे संकल्प वेस्ट गए होंगे। बाबा ने कहा स्थूल चीजें तो सभी देते हैं, लेकिन हमारा विशेष कर्तव्य है
शांति की शक्ति देने का। ये और कोई नहीं कर सकता। स्थूल भी आवश्यक है, लेकिन हमारा विशेष कार्य है जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता। वो है मन में शांति और सामना करने की शक्ति। इस बीमारी को हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस सिंड्रोम, PTSD कहते हैं अंग्रेजी में। माना ऐसे तूफान के बाद लोग टूट चुके रहते हैं अंदर से, तो उनको मन की शांति और सामना करने की शक्ति की जरूरत होती है। तो ये केवल बाबा के बच्चे दे सकते हैं। थोड़ा मैं बताना चाहूंगा इससे रिलेटेड ब्रह्मा कुमारी की सेवा। ब्रह्मा कुमारी में एक टीम है जिसको कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट टीम। अभी ये समय की पुकार है, समय की जरूरत है। ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स बहुत आने वाले हैं। कच्छ भुज का भूकंप, मधुबन से नजदीक था, पहली टीम वहां पहुंची। फिर केदारनाथ में जो हुआ, या कर्नाटक में बारिश हुई, या ये तूफान उड़ीसा का, ये सब जगह पर हमको डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम रेडी रखनी है। मधुबन में इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, तो हमको ये टीम को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे समय पर कुछ दिमाग काम नहीं करता है कि क्या करना चाहिए, किससे मिलना चाहिए। वैसे गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल है, लेकिन ऑलमाइटी गवर्नमेंट शिव बाबा की भी टीम है, तो इसके ऊपर भी चिंतन करें। जो भाई बहने इसमें सेवा दे सकते हैं वो इस टीम के संपर्क में रहे। बाबा ने कहा आगे चलकर ऐसे परिस्थितियां आएगी कि आपको साक्षी होके, शक्तिशाली होके सबको सहयोग देना है, तभी आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो ऐसे अचानक के पेपर में हार खा सकते हैं। तो विघ्नों से डरना नहीं है। आज फिर से ये बात आई है जो कल का वरदान था। बाबा ने आज कुमारों को कहा कि कहीं मधुबन में माया तो नहीं आती है, क्योंकि कमजोरी मतलब माया। तो हम हार खाने वाले नहीं, लेकिन माया हमको हार पहनाने वाले हैं। आज विशेष बाबा ने वरदान में हर बच्चे को रूहानी गुलाब बनाया है। मुझे ये सामान बहुत अच्छा लगता है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। मेरे अंग अंग से पवित्रता की खुशबू वायुमंडल में प्रवाहित हो रही है। बाबा ने कई मुरलियों में कहा देवताओं के अंग से पवित्रता के प्रकंपन प्रवाहित होते हैं। बदबू नहीं आती है, खुशबू आती है। बदबू माना विकार। बाबा ने कहा रूहे गुलाब, अर्थात जिसमें रूहानी खुशबू है। रूहानी खुशबू मतलब क्या? रूहानी खुशबू मतलब रूह के जो ओरिजिनल क्वालिटीज है। जैसे खुशबू को आप छिपा कर नहीं रख सकते। कोई कहे कि मैंने अपने मुट्ठी में खुशबू को छिपा कर रखा है, हो नहीं सकता है, खुशबू निकल ही जाती है। तो ऐसे रूहानी गुलाब बाबा कहते हैं जिसको भी देखेंगे रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे, स्वयं भी रूहानी स्थिति में रहेंगे और दूसरों को भी रूह देखेंगे। माना आत्मिक स्थिति और आत्मिक दृष्टि। ऐसे बाबा के बच्चे, बाबा ने कहा भगवान के बगीचे के विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब है। जैसे भगवान ऊंचे ते ऊंचा है, बहुत नशे की बात है, जैसे भगवान ऊंचे ते ऊंचा है वैसे मैं भगवान के बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब ऊंचे ते ऊंचा हूँ। और हमारी ये रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने के निमित्त है। कल का स्लोगन, आज का स्लोगन सिमिलर है। बाबा ने फिर से कहा कि किसी को सुख देने के लिए मर्यादा नहीं तोड़ना है। कुछ अनुभव आपके सामने शेयर करते हैं। माताएं जो अकेले ज्ञान में चलती है, अभी उनके ऊपर घर से विकार के लिए प्रेशर डालता है, तो वो सोचते हैं कि पति को कभी खुश ना खुश नहीं करना चाहिए। अभी इतनी भोली माताएं होती है, तो पति को खुश करने के लिए बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर दिया। तो बाबा ने कहा ऐसे मर्यादा तोड़ा किसी को भी खुश करने के लिए,
तो वो दुख के खाते में जमा हो जाएगा। इसलिए अटेंशन प्लीज, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैं पैसे के मामले में भी कहता हूँ, किसी को धन का सहयोग दिया अच्छे भाव से, लेकिन बाद में फिर दुख का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मर्यादा छोड़कर सुख देने की कोशिश नहीं करेंगे। आज के मुरली में टेक होम नशे में लेकर जाए कि भगवान मेरी माला जपता रहता है, मेरे बगैर रह नहीं सकता है, मैं भगवान के बगीचे का रूहानी खुशबूदार फूल हूँ, श्रृंगार हूँ, होली हंस हूँ, और तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ मैंने परमात्मा को सौंप दिया है, और मैं परमात्मा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। अच्छा, ओम शांति।